हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो लेक्चर है वो है इंडियन हिस्ट्री पर है, यानी कि भारतीय इतिहास पर है। और यह लेक्चर आपके बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, बिहार एपीओ के लिए और एमपी जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बिहार जुडिशरी पर मैंने लगभग हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपने वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। और कुछ मेरे स्टूडेंट ने ये डिमांड किया कि सर आप जो है वो जीएस पर भी हमें कुछ लेक्चर प्रोवाइड करिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का जो रोल है बिहार जुडिशरी के प्री के एग्ज़ाम में वो 100 में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचिए 35 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान सुना तो आपके 35 में पूरी संभावना है कि करीब 25 से 30 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे और इस एक लेक्चर में ही आप अपने पूरे इतिहास को रिवाइज़ कर लेंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हो, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी करेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम बता दें कि ये लेक्चर जो इंडियन हिस्ट्री का है यानी भारतीय इतिहास पर, ये तीन पार्ट में है। इंडियन हिस्ट्री में तीन पार्ट में मैं बताऊंगा। इसमें पहले एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत होगा, दूसरे में मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और तीसरे में मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर मूवमेंट, और तीसरे में होगा आपका कि आधुनिक भारत और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष, यानी जो स्वतंत्रता संघर्ष स्ट्रगल उसमें भी मैं आपको इसमें डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय इतिहास का जो एंशियंट पॉइंट है, इसमें से बिहार जुडिशरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंशियंट से, और फिर मॉडर्न से पूछा जाता है, और सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिडिवल इंडिया से यानी कि मध्यकालीन भारत से। इसलिए आपको एंशियंट और मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना है, और मॉडर्न में आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है कि एंशियंट टाइम में जो शुरुआत होती है एंशियंट में, तो आपको सैंधव घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखना है, और उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, फिर गुप्त काल, ठीक है, और गुप्तोत्तर काल, इसको आप अच्छे से देखेंगे। और इसके साथ ही साथ मिडवल में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के तुर्कों के आगमन से लेकर के और जो है 1526 यानी बाबर के आने का पहले का कार्यकाल क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली का सल्तनत जो होता है उसमें जितने शासकों ने काम राज वो किया है, ठीक है। वो उसके बाद फिर मिडवल में आप आगे देखेंगे, फिर मुग़लों का आता है आगमन, मुग़लों के बाद फिर उसके बाद फिर जब 1857 से यानी मॉडर्न इंडिया शुरू होता है 1857 से, जब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए पहली बार बिगुल बजता है तो 1857 से उसको भी देखना है। फिर जितने भी आंदोलन होते हैं, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण होता है, ठीक है, फिर स्वदेशी आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब सारी इंक्लूड करना है, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद फिर 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक का आपका इसमें पूरा देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में, प्रयास करेंगे पूरा तीनों टॉपिकों को आपको फैक्ट टू फैक्ट समझाएंगे और आप इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जो एंशियंट टाइम में कुछ यात्री आए हैं, ठीक है, यानी जो ट्रेवलर्स हैं, विजिटर्स, उनके बारे जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, फाययान एक यात्री था, ठीक है, वह क्या था, वो चंद्रगुप्त पूछा था कि फाययान जो है वो चीनी यात्री था, चाइनीज विजिटर था, किसके कार्यकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया। ध्यान दीजिएगा, इसका कार्यकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का 399 से 414 माना जाता है, ठीक है, और उसमें इसने क्या किया था, इसने यहाँ के समाज और संस्कृत का अध्ययन किया। फाययान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इसने समाज और संस्कृत का अध्ययन किया, तो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि फिर एक और यात्री आया था जिसका नाम है शुंगयुन, ये भी सब चीन के यात्री थे, चाइनीज यात्री थे, और ये आया था 518 ईस्वी में आया था, और ये 3 वर्ष की समय के लिए आया था। इसने क्या किया, केवल बौद्धों की प्रतियां एकत्रित की। ध्यान दीजिए, पूछता है कि इसने बौद्धों के बारे में कलेक्शन किया और उनकी प्रतियां इकट्ठा की और 3 साल यहाँ पे रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग भी क्या है, ये भी चाइना से आया था, ये चीन का यात्री था, और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता किसके कार्यकाल में आया था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, कौन, ह्वेनसांग।
और हर्षवर्धन का कार्यकाल 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में 629 से 645 टाइम समय तक आया था, ध्यान दीजिएगा। और यह करीब 16 साल भारत में रहा और इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने किया और 6 वर्ष तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई में बिताए, यानी ये बौद्ध धर्म के बारे में इसने अध्ययन भी किया और उनके बारे में इसने विस्तृत विवरण भी किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और इसने जो है हर्षकालीन जो भारत था उसमें धर्म तथा राजनीति पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो ये पूछ देता है कि कौन सा यात्री जो है वह हर्ष के समय में आया था, उसने कौन से यात्री ने नालंदा बौद्ध विहार में पढ़ाई किया था, ये सब चीज़ आता है। उसके बाद इस 7वीं सदी में सबसे लास्ट में इत्सिंग आता है, ये भी चीन का चीनी यात्री था और इसने जो है वो क्या किया, इसमें हर्ष का इतिहास पढ़ा और चोल के बारे में भी इसने काफ़ी अध्ययन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानेंगे, ठीक है। तो ये इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले आपको बता देते हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्राचीन यूनानी लेखों में सबसे पहले कौन आता है, टेसियस और हेरोडेट्स, ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन यूनानी लेखों में है, ठीक है। अब तक मैंने जो बताया वो चीनी यात्रियों के बारे में, अब पूछिए सबसे प्राचीन यात्रियों में कौन था, यूनानी लेखों में टेसियस और हेरोडेट्स से, ध्यान दीजिएगा। हेरोडेट्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पिता कहा जाता था हेरोडेट्स को। और जो टेसियस था वे क्या था, टेसियस जो है ईरान का राज वैद्य था, चिकित्सक था, पूछता है टेसियस ईरान का राज वैद्य था और इसने भारत आए बिना ही यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा है, ठीक है। पूछता है कि ऐसा कौन सा यात्री था जो भारत आए बिना ही भारत के इतिहास में लिखा, जिसका नाम है टेसियस है, ठीक है। फिर हेरोडेट्स के बारे में आपको पता है कि हेरोडेट्स को भारत क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और हेरोडेट्स की एक बुक है हिस्टोरिका, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिका है, ये 500 ईसा पूर्व में यानी 500 BC में इसने लिखा था, ठीक है। और इसी के नाते, इसी हिस्टोरिका बुक के नाते इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना। और एक यहाँ पे देखा जाए कि कुछ यात्री सिकंदर के बाद पश्चात भी आते हैं, वहाँ वो भी कभी पूछता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक है मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, इंडिका, और ये सेलुकस निकेटर के दरबार में रहता था, ठीक है, और इसका दूध था ये, ठीक है। और ये भी सब पूछता है, ठीक है। और एक अब यहाँ पे कुछ पुस्तक थोड़ा चर्चा कर, जैसे आपने इंडिका देखा, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये पुस्तक है, ये 80 जो है वो AD का बुक है ये, और इसके जो लेखक हैं वो क्या अननोन है, अज्ञात, पूछता है कि इसके लेखक कौन, अननोन है, ठीक है, और ये अज्ञातनामा। और इसने क्या किया, हिंद महासागर की यात्रा किया था, ध्यान दीजिएगा, और इसे समुद्री व्यापार किसने दिया है, इसने जो क्या दिया, समुद्री व्यापार, जो सी बिजनेस है, सी ट्रेड के बारे में इसने काफ़ी दिया था। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है। दूसरा है, एक है दूसरा है जो दूसरी शताब्दी में आया था, 2nd century में आया था, उसका नाम है टालमी। टालमी ने किसे कहते हैं, टालमी को भूगोल, भारत का भूगोल लिखा था इसने, टालमी, ध्यान दीजिएगा, टालमी ने भारत का भूगोल लिखा था। और प्लिनी जो था, प्लिनी भी क्या है, उसने भी ये भारत का भूगोल लिखा था। और एक प्लिनी का ग्रंथ है जो भारतीय पशुओं पर काफ़ी इसमें वर्णन किया गया था। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा सैंधव काल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सैंधव काल से आपको क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपका क्या था, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से आपको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के टीले को उल्लेख किया था। और इसमें क्या है, इसमें कनिंगम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने भारतीय पुरावस्तु के बारे में जानकारी की थी, ठीक है। तो ये कभी पूछ देता है और ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सैंधव काल में आपको देखना है कि सैंधव काल का जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कुछ वहाँ पे खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई थी, उसके आधार पे जो लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे सैंधव काल में ये रहा होगा, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है, क्यों, क्योंकि कोई यात्री नहीं थे और लेखन प्रणाली उस समय डेवलप नहीं हो पाई थी, इसलिए इनके बारे में ये जो क्या कहते हैं कि वो खुदाई से ही जो चीज़ें मिली हैं, खनन से, उसी के बारे में ये लगाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ स्थल हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर देखिए कुछ स्थल आपको बताता हूँ सैंधव काल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उसको आप जान लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ देता है जिसको आपको, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंधु सभ्यता का काम काल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसके बाद देखिएगा। तो सी चौदह मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति से, कार्बन डेटिंग पद्धति से जो सिंधु सभ्यता का काल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। तो जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति से कब माना गया है, 2400 से 1700 ईसा पूर्व, यानी 1400 से 1700 क्या बीसी, ये सिंधु सभ्यता का काल माना गया, पूछ देता कभी किसके थे, रेडियो कार्बन मेथड से माना गया, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कुछ कुछ जो है वो स्थल है, प्लेस हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे सुद कांगेडोर है, ये क्या है, ये पूरा बलूचिस्तान पे है। आलमगीर, एक आलमगीर है जो हिंडन नदी पर है, पूछता है वो कहाँ पे, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीर नामक एक सिंधु स्थल है, ठीक है। उसके बाद एक मांडा है, मांडा क्या है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तरी स्थल है मांडा जो है। और दक्षिणी में सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन है, ये दैमाबाद है, जो अहमदाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दैमाबाद। तो इन चारों स्थलों को आपको कभी पूछ देता है कि कहाँ पर है, उसको जानना होता है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम और देखते हैं कि सिंधु स्थल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कहाँ कहाँ मिली हैं, उसको भी थोड़ा जानना होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जैसे सिंधु स्थल जो सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे एक स्थल सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से क्या है, यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली है, ध्यान दीजिएगा, बोन ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डी मिली है और पार्ट बरियल मिला है, कलश सावधान मिला, पूछ देता है पार्ट बरियल और कलश सावधान कहाँ से मिला, सुरकोतड़ा से मिला है, ठीक है, ये गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। दूसरा है धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दुर्ग मिले हैं और जल निकास प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, जल की सिस्टम मिला है यहाँ पे, जल निकास प्रणाली मिला है। उसका देखा स्थल कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, ये पिछले साल बिहार जो से पूछा भी गया था, तो कालीबंगा पहले यानी कहाँ पे है, ये कालीबंगा राजस्थान जिले के गंगानगर, राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में है ये। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे जो है वो फाल हर के जो जिसे खुदाई होती है उसके साक्ष मिले हैं और जूते हुए खेत के साक्ष मिले, ध्यान दीजिएगा, फारो जिसे बोलते हैं, फारो के मिले हैं और यहीं से खेती के साक्ष मिले हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्थल लोथल, ये भी सिंधु काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये पोर्ट था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिली है, जहाज़ों की गोदी बाड़ा मिला है, ध्यान दीजिएगा, डॉकयार्ड मिला है यहाँ पे, ये भी बहुत पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको अच्छे से देखना है, यहाँ से पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में रिवाइज करना है इसलिए आपको थोड़ा तेज़ बताते हैं। इसके बाद आते हैं ऋग्वैदिक काल में, देखिए ऋग्वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जाना कि चार प्रकार के वेदों की रचना हुई ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो ऋग्वेद, उसके बाद क्या है, ऋग्वेद के बाद आप देखिए फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ठीक है। तो ये चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये चार वेद हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या क्या दिया है, ऋग्वेद में जो है वो देवताओं की स्तुति के बारे में दी गई, प्रार्थना के बारे में दिया गया है, ठीक है, देवताओं की प्रार्थना की गई है इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, श्लोक हैं उसमें, ठीक है। और नवे मंडल में क्या है, वो सोमरस के बारे में किया गया, एक सोमरस है जो मुजुंद पर्वत में पाया जाता था। ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, दसवें मंडल में उसमें चार वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पूछता है कि किस मंडल में किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जो उसके बाद जो दूसरा है वो है सामवेद। सामवेद देखिए, सामवेद क्या दिया, ये संगीत के बारे में दिया गया है, ठीक है, संगीत के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, तो ये पूछ देता है। फिर एक है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में दिया गया है। और यजुर्वेद पहला वेद है जो किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि वो किसमें है, वो प्रोज पोएट्री दोनों फॉर्मेट में, याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा वेद ऐसा है। और उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या होता है, इसमें जादू, टोना, भूत, प्रेत आदि की बात की गई है। तो ये चारों वेदों को आप बेसिकली जान लेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, इसको आप अच्छे जान लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद ऋग्वैदिक काल में देखिए महाजनपदों का उल्लेख होता है, महाजनपद ठीक है, 16 महाजनपद थे ठीक है। इनको बारे में आपको जानकारी किसमें मिला, अंगुत्तर निकाय में मिला, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है, इसको एक बार आप देख लेंगे ठीक है। फिर उसके बाद आपको अब स्टार्ट करते हैं इसमें जैन बौद्ध, जैन बौद्ध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको चर्चा कर देते हैं शॉर्टकट में। जैन देखिए जैन धर्म के बारे में आते हैं, जैन धर्म में क्या है जो सबसे पहले इसके जो तीर्थांकर थे उसका उनका नाम है ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थांकर कौन थे 24वें महावीर स्वामी, जिसको दोनों याद रखिए पूछ देता कि प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे ठीक है। और जो 23वें तीर्थांकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, ध्यान दीजिएगा पार्श्वनाथ था, तो ये भी पूछ देता है कि प्रथम कौन थे अंतिम कौन थे और 23वें कौन थे ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम आते हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट तीर्थांकर रहे हैं और इन्होंने जैन धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो महावीर स्वामी थे जो 24वें उनका जो प्रतीक चिन्ह था पूछता है, प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह क्या थे, सिंह थे, लायन था ठीक है। 23वें जो थे पार्श्वनाथ क्या थे, सर्प था, ध्यान दीजिएगा उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था, स्नैक। और जो प्रथम थे ऋषभदेव थे उनका कौन सा था प्रतीक चिन्ह, वो था सांड यानी कि बुल था, इसको याद रखिएगा बुल यानी सांड। और तीसरे 23वें के पार्श्वनाथ थे जिनका सर्प था, स्नैक था, और महावीर स्वामी की क्या उनका प्रतीक था, वो लायन था यानी शेर था, याद रखिएगा ठीक है। तो अब इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा सा और जान लीजिएगा ठीक है। तो इनके बारे में एक चीज़ ध्यान दिया कि इन्होंने जो महावीर स्वामी जो है उन्होंने एक पाँचवा जोड़ा था, क्या ये ब्रह्मचर्य का बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाँचवा जोड़ा था ठीक है। और उसके बाद और देखते हैं कि जो महावीर स्वामी का था वो उनके बारे में ये देखना है कि इन्होंने जैनों जैन धर्म की स्थापना की और इन्होंने इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैन धर्म में दो समितियाँ हुई थी, जैन धर्म की दो काउंसिल हुई थी, मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वो उसको आप याद करिए पाव नाम से, पाव, पाव का मतलब पहली पाटलिपुत्री और वहाँ से वल्लभी, पाव पाटलिपुत्री वल्लभी से हुआ था ठीक है। जिसमें वो कहाँ पर हुई थी ये तो आपको पता है, पहली पाटलिपुत्री दूसरी वल्लभी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, पहली के स्थूलभद्र थे और दूसरी के क्षमा श्रवण थे, ध्यान दीजिएगा पाव, उसके बाद पाटलिपुत्री वल्लभी और स्थूलभद्र पहले के अध्यक्ष थे और दूसरे के क्षमा श्रवण थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है, इसको आप देख सकते हैं ठीक है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के तीन रत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, पूछ देता कभी कभी, याद आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें था कि जैन धर्म में पांच महाव्रत रहे हैं, पांच महाव्रत, पहला अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा, पूछता कि पहले चार था, पांचवा जो है ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा, इसको आप याद रखिएगा ठीक है। जैन धर्म की आत्मा की मान्यता को मानता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है ठीक है। जैनों का एक स्यादवाद सिद्धांत है जो संशय पर आधारित है, स्यादवाद याद रखिएगा, और अनेकांतवाद, ये पूछता किस में है, स्यादवाद अनेकांतवाद जैन धर्म के सिद्धांत है ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना है ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि इनकी सभा कहाँ हुई, इसके कौन अध्यक्ष थे, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में पूछ देता कि महावीर स्वामी जो है क्या थे ठीक है। तो महावीर स्वामी क्या देखे क्या था, यहाँ पे आपको पता है कि इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था ठीक है। तो ये बेसिकली कभी कभी पूछ देता है इनके इनके पिता का नाम, जैसे महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, ध्यान दीजिएगा ठीक है। और इनके महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था ठीक है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ देता है, जिसको आप याद रखिएगा ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म से भी एक दो क्वेश्चन पूछ देता है ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना कि महावीर स्वामी का जो निर्वाण मिला था 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के पास, राजगीर में पावापुरी, एक कभी पूछ देता है 468 ईसा पूर्व में, जिसको आप याद रखना। अब आते हैं दूसरा बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे, जाहिर सी बात है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 563 ईसवी पूर्व ईस्वी में इनका कहाँ पर हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, यानी 563 जो है वो BC में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर, जो आज की डेट में नेपाल में है, याद रखिएगा ठीक है। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था ठीक है, ये भी पूछ देता है। इनकी माता का नाम माया देवी था, और इसके बाद इनके इनकी पत्नी का नाम भी पूछ देता है आपको ठीक है, और इनके पुत्र का नाम पूछ देता है, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था ठीक है, और इनके पत्नी का नाम जो है वो क्या था, यशोधरा था ठीक है, याद रखिएगा।
और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था बौद्ध धर्म में, क्या था कि चार आर्य सत्य बताया था, फोर नोबल ट्रूथ बताया था, चार आर्य सत्य बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चार आर्य सत्य क्या था कि पहला सर्व दुखम, यानी सभी जगह दुख ही दुख है। दूसरा क्या था, दुख समुदय, दुख का कारण है, और दुख निरोध है, दुख का उपाय है, दुख दूर करने का उपाय है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख दूर करने के लिए एक मार्ग बनाया गया जिसका नाम अष्टांगिक मार्ग। पूछ देता है कि चार आर्य सत्य कौन कौन थे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बौद्ध के समय चार बौद्ध संगीत हुई थी, फोर बौद्ध काउंसिल हुई थी, उनको याद रखिएगा कि किसके समय में हुई थी, कब हुई थी, किस जगह हुई थी और कौन उसका अध्यक्ष था। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र है बौद्ध में कि अकाअक और ध्यान दीजिएगा, रा व पाकु अकायक, रा व पाकु अकाअक। रा से मतलब राजगिरी, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन, कु से कहाँ पर है, कुंडलवन कश्मीर में है। तो क्या है, रा व पाकु राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। अब उसके अध्यक्ष कौन कौन है, अकाअक मतलब आ से अजात शत्रु, का से काला शोक, फिर आ से अशोक, और फिर इसके बाद का से काका कनिष्क है, और उसमें अशुघोत उसके उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध समिति के। तो पहले बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे, अजात शत्रु, दूसरे के काला शोक, तीसरे बौद्ध समिति के अशोक थे, और चौथे के कौन था, कनिष्क था। याद रखिएगा इसको, ये पूछता राव पाकू और अकाक, बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद गौतम बुद्ध का ये भी चीज़ें पूछ देता है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, इनके त्रिपिटक हैं, ध्यान दीजिए त्रिपिटक हैं, पूछा था त्रिपिटक कौन कौन है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक है, याद रखता है। और इन त्रिपिटकों की जो भाषा है क्या है, लैंग्वेज क्या है, पाली है, पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा पाली भाषा है, ठीक है। तो और गौतम बुद्ध में क्या था, ये मध्यम मार्ग को इन्होंने अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, और ये अनिश्वरवाद को, ईश्वर को नहीं मानते थे, ध्यान दीजिएगा। और एक जातक कथाएँ, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं क्या बोलते हैं, जातक कथाएं, पूछ देता पूर्व जन्मों के बारे में। तो ये इतना आप देख लेंगे तो आपके इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इस्लाम धर्म में, देखिए इस्लाम धर्म में पूछ देता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी 570 में, इनका मक्का में जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम मीना था, और 622 में इन्होंने मक्का से मदीना कूच किया, इसी को हिजरी संवत कहा जाता है, ये पूछ देता है इस चीज़ को, ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसके बाद हम आते हैं और आगे फिर देखिए थोड़ा सा पूछ देता है कि गुप्त वगैरह का कार्यकाल पूछ देता है, तो आपको गुप्त का थोड़ा बता देते हैं, गुप्त के समय क्या क्या था, है ना। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने बता दिया सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गुप्त के टाइम का पूछ देते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, गुप्त साम्राज्य पूछ दिया, पहली बात यानी कि जैसे नालंदा पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसी, तो ये कुमार गुप्त ने किया था, ध्यान दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। हूणों का आक्रमण पहली बार किसके समय हुआ था, तो गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय में हूणों का अटैक हुआ था, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो गुप्त साम्राज्य में देखिए इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया है, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि क्या था, हरिसेन था, इसको देख लीजिएगा। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध कर्ता के उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त जो बीड़ा बजाता था, पूछता कि बीड़ा बजाता था, और ये संगीत प्रेमी था, ठीक है, ये पूछ देता है। और समुद्रगुप्त को एक कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज की उपाधि पूछ देता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फाहियान यात्री आया था, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान यात्री आया था, ठीक है, ये भी इसको भी आप याद कर लेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल था। चंद्रगुप्त के समय जो है फाहियान आया था, यात्री आया था, ठीक है। और इसके बाद जो है आप स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर जो है उस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त के समय में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कुछ विद्वान और कवि रहते थे, उनका याद रखिएगा, जैसे बराहमिहिर थे, धन्वंतर थे, ब्रह्मगुप्त थे, ये लोग किसके समय में थे, ये चंद्रगुप्त के समय में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी संस्कृत के महाविद्वान महाकवि कालिदास भी रहते थे, पूछ देता है, महाकवि कालिदास रहते थे, ठीक है। और इन्होंने संस्कृत भाषा की जो है काफ़ी वो लिखा था उन्होंने, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आता है ये हर्षवर्धन का कार्यकाल आता है। हाँ, समुद्रगुप्त के एक और थे, ध्यान दीजिएगा। समुद्रगुप्त ने जो क्या किया था, ये वास्तव में ये बहुत ही जो है वो महान राजा था ये, ठीक है। और ये इसके समय में बाणभट्ट, देखिए, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सीधा सा हर्ष पे आते हैं, क्योंकि हर्ष से क्वेश्चन पूछा था, समुद्रगुप्त को आपका हो गया, हर्ष पे पूछ देता है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं हर्ष के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि कभी कभी हर्ष का वो साम्राज्य पूछ देता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हर्ष का जो वो था, उस पुष्प भूत वंश या वर्धन वंश में आता है, ठीक है। और हर्ष का जो था, हर्ष के पिता का नाम क्या था, इसको आप जान लीजिए, प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हर्षवर्धन, राजवर्धन, एक पुत्री राजश्री थी। ये तीनों को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। और बाद में क्या हुआ कि हर्षवर्धन को पुलकेशन दूती ने हराया था, ध्यान दीजिएगा। ये पूछता कि किससे हरा था, बाकी हर्षवर्धन किससे हरा नहीं था, पुलकेशन दूती ने इसको हराया था। और नर्मदा नदी पर इसको जो है बहुत भयानक युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कभी कभी पूछ देता है। और हर्षवर्धन के समय में ही जो है एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अब आप आगे और देख सकते हैं, ठीक है। ये फिर आप देख सकते हैं कि पाल वंश में भी देख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ पूछता है कि ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल ने किया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको इसको हम जो है ये एक लेक्चर में आपको प्राचीन एंशिएंट भारत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट भारत के बाद हम पार्ट टू और पार्ट थ्री बताएंगे। इसमें पार्ट टू में मिडिवल का रहेगा और पार्ट थ्री में जो है वो मॉडर्न का रहेगा, क्योंकि एक पीरियड में बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो ये एंशिएंट में आप इतना देख लेंगे, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से आपको जितना भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ और बता देते हैं, जैसे अशोक के बारे में बता देते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध की लड़ाई जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, 261 क्या लड़ा था, BC लड़ा था। और किसके बीच में कलिंग लड़ाई हुई थी, अशोक और कलिंग का राजा जो है वो कलिंग का था, कलिंग का राजा जो है हरिकेल था, ठीक है, उसके बीच में लड़ाई हुई थी। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने हमेशा जो है क्या किया, लड़ाई ना लड़ने का कसम खाया, क्योंकि कलिंग युद्ध में काफ़ी मात्रा में खून बहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म का लिया। और 13वें शिलालेख में कलिंग वार का वर्णन दिया, ध्यान दीजिएगा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एंशियंट हिस्ट्री में भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप समझ लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितना बता रहा हूँ अगर उससे आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें और भी थोड़ा सा रह गई हैं, ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यात्रियों के बारे में है, सारी चीज़ देख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें बोला जाता है। जैसे प्राचीन भारत में कुछ संप्रदाय थे उनको जान लीजिएगा, जैसे आक्रियावादी संप्रदाय पूर्ण कश्यप का था। आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछता है तो मक्खल गोसाल के था। लोकायत के बारे में था, अजित केसामलिन थे, ठीक है। और निर्ग्रंथ किसे कहते थे, जैन के था, ये महावीर स्वामी को था, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है कि विशिष्टाद्वैत रामानुज, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज भी पूछ देता है। और उसके बाद द्वैताद्वैत मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। तो कभी कभी ये प्राचीन भारतीय संप्रदायों को भी पूछ देता है, ये आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन, इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जो पार्ट टू होगा उसमें हम क्या बताएंगे आपको। और हाँ, इसके अलावा साथ साथ कुछ और चीज़ें बता रही, जैसे शक संबत, तो शक संबत आपको पता है कि शक संबत कब होता है ये, और एक विक्रम संबत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक है 78 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा 78 ईस्वी ये शक संबत है, और 58
बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, ये क्या है 58, ये विक्रम संवत है। तो दोनों का शक संवत कनिष्क ने चलाया था और विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य जो है वो खष्ट ने किया था, सिक्स ने किया था। इसको याद रखिएगा चीज़ों को, ये भी कभी कभी पूछ देता है। दूसरा पूछ देता है कि पहले वो कौन थे जिन्होंने प्राचीन भारत में कि जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, तो हिंद यूनानी, ध्यान दीजिएगा हिंद यूनानियों ने क्या किया था, सोने के सिक्के पहली बार चलाए थे। और उसके बाद सोने के सिक्के जो है वो कुषाण शासक, कुषाणों के कालकाल में, ध्यान दीजिएगा क्या था, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, लेकिन वो प्योर थे, शुद्धता के मामले में बहुत प्योरिटी थी। और गुप्तों के समय में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए, लेकिन वो शुद्धता के मामले में उतने अच्छे नहीं थे, कम शुद्ध थे। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपका आंसर होगा कि वो कुषाण शासक ने चलाए थे, सॉरी हिंदेवल ने चलाए थे सबसे पहले सोने के सिक्के। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के शुद्धता के मामले में सबसे ज़्यादा किस में चलाए गए थे, तो वो आप समझ सकते हैं कि कुषाण शासक के समय थे। उसके बाद सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए गए किसके समय में, तो गुप्तों के समय में थे, लेकिन सोने की शुद्धता की मापता प्योरिटी गोल्ड की जो है कम थी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट में करेंगे पार्ट टू में, उसको मिडिल कवर करा देंगे, और पार्ट थ्री में आपका ये हो जाएगा आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि मॉडर्न इंडिया एंड स्ट्रगल फॉर इंडियन मूवमेंट। तो इन तीन पार्ट में आपका रहेगा, तीन पार्ट करेंगे तो आपका 35 क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही एंशिएंट हिस्ट्री का है। नेक्स्ट में हम मिडिवल के बारे में आपको बनाएंगे, और थर्ड लेक्चर में जो है क्या हो जाएगा वो मॉडर्न बारे में। तो आज इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट रहेगा, कल हम अपलोड करेंगे आपको मिडिवल का, और उसके अगले दिन आपको अपलोड करेंगे मॉडर्न का। इन तीनों लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और इसको अपने 35 क्वेश्चन को कवर कर लिए। ठीक, थैंक यू।